शलाखया चक्षुरमित तस्म श्री गुरु नम हरे कृष्णा तो आज हम लोग इस चैप्टर के आखिरी वर्ष वर्ष 3.43 को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भगवान जो लस्ट के ऊपर डिस्कशन है उसको कंक्लूड कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट है 3.43 इसमें देखिए भगवान बता रहे हैं कि दस नोइंग वन सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल टू द मटीरियल माइंड एंड इंटेलिजेंस ओ माइटी आर्म अर्जुन वन शुड स्टडी द माइंड बाई डेलीबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दस बाई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कौन कर दिस इन्स अचीवेबल एनिमी नोन एज लस्ट तो बाई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मीन्स जब हम अपनी साधना स्ट्रांगली परफॉर्म करते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है

अल्टीमेट गोल स्परिचुअलिटी का द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है जो वॉयडनेस के बारे में जो इमर्सिस्ट बात करते हैं वो अल्टीमेट गोल नहीं है जो ब्राह्मण रियलाइजेशन होता है वो एक लेवल का रियलाइजेशन होता है लेकिन उसके ऊपर परमात्मा का रियलाइजेशन है और सबसे ऊपर भगवान का रियलाइजेशन यानी जो पर्सनैलिटी है भगवान का उसका जो रियलाइजेशन है वो सबसे हाइएस्ट रियलाइजेशन होता है और यहाँ पे भगवान क्लियरली इस चैप्टर में यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं जो अल्टीमेट एंड है भगवद गीता का वो ब्राह्मण रियलाइजेशन नहीं है इम्पर्सनल रियलाइजेशन नहीं है वो साक्षात भगवान की पर्सनैलिटी का रियलाइजेशन है तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है और ये नॉलेज कि हम भगवान के इटरनल सर्वेंट हैं इस ये नॉलेज पहले तो ये नॉलेज कि हम शरीर नहीं आत्मा है और इसका हायर लेवल नॉलेज कि हम भगवान के इटर सर्वेंट हैं ये नॉलेज के साथ अगर हम इस नॉलेज को हम रियलाइज कर लेते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी के अल्टीमेट परफेक्शन पे पहुंच गए हैं तो फॉर कंट्रोलिंग सेंसेस वन मस्ट बी इन कॉन्शियसनेस हायर इंटेलिजेंस फिलोसॉफिकल एंड आर्टिफिशियल स्पेकुलर्टिफिश लाइक योगिक पोस्टर्स विल नॉट हेल्प इन द लॉन्ग रन तो अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं तो योगिक पोस्टर्स या मेंटल स्पेकुलेशन बहुत तरह की चीजें हैं तो मोटिवेशनल स्पीचेस एंड ये सारी चीजें जो जिससे हम अपने माइंड को कंडीशन करते हैं ये लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करेंगी अगर किसी को अपने सेंसेस कंट्रोल करना है तो एक ही चीज़ है जो लॉन्ग रन में आपको हेल्प कर सकती है वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर आपका माइंड आपका इंटेलिजेंस और आपकी आत्मा पूरी तरह से भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब है तो फिर आपके सेंसेस अपने आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो एक्चुअली दिस इज द ओनली वे ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस इसके अलावा कोई दूसरा मेथड आपको लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेगा तो इन दिस चैप्टर कृष्णा हैज दिसोरिफाइड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एज दैट व्हिच एलिवेट्स अस फ्रॉम सकाम कर्म योग टू निष्काम कर्म योग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑन व्हिच वी परफॉर्म आवर ड्यूटी विद डिटैचमेंट टू द विद अटैचमेंट टू द द्लेटफॉर्म ऑफ डिटैच्ड एक्शन तो जब हम हमें ये नॉलेज मिल जाता है कि हम शरीर नहीं हैं हम आत्मा हैं तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है जो अटैचमेंट है वो कम हो जाता है इस कारण से हम डिटेस्ड हो जाते हैं अपने सेंस गैटिफिकेशन से तो फिर हम जो भी काम करेंगे जो भी हम ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की खुशी के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के पर्पज से परफॉर्म करेंगे उससे कोई हमारा रिटर्न का कोई सेंस गैटिफिकेशन का हमारा डिजायर नहीं रहेगा तो यही होता है सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग यानी निष्काम होने का ये, यही तरीका है कि अगर हम ये ट्रांसेंडेंटल तो जो हमारी सकाम भावना है वो कन्वर्ट हो जाती है निष्काम में और अगर हम ये रियलाइज कर लें उसका जो एक नेक्स्ट लेवल हाई है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है तो इस बात को रियलाइज करने के बाद तो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के परफेक्शन पे पहुंच जाता है क्योंकि अगर अब वो किसी चीज से अटैच है तो सिर्फ एक ही चीज से कि वो भगवान की सेवा कितने अच्छे से कर पाए तो जो निष्काम कर्म योगी होते हैं उनको फ्रूट्स की यानी अपने कार्य से जो फल आते हैं उनका इच्छा नहीं होता है लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं वो फल जो आते हैं उनको भगवान को ऑफर करते हैं यानी दोनों ही निष्काम है एक तो फल की इच्छा ही नहीं कर रहा और एक फल की इच्छा कर रहा भी है तो उसे भगवान को ऑफर करने के लिए अपने लिए कुछ नहीं तो इन दोनों को निष्काम कर्म योगी ही बताया गया है लेकिन इसमें से बेटर निष्काम कर्म योगी वो है जो फल लेकर के भगवान को ऑफर करता है खुद नहीं करता तो ये अल्टीमेट परफेक्शन है और ये परफेक्शन हमें कैसे मिलता है हम सकाम से निष्काम कैसे होते हैं जब हमें ये ज्ञान रियलाइज हो जाता है तो वो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि इस नॉलेज को रियलाइज करके तुम अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ जाओ तो ट्रांसेंडर

तो रजोगुण का सिम्टम है डिजायर हैंकरिंग फॉर संस्क्रेटिफिकेशन और सत्वगुण का सिम्टम है कि ड्यूटी प्लेटफॉर्म सिर्फ आप अपने ड्यूटी के कारण करते हैं या फिर भगवान के प्रति जो प्रीति है उसके कारण करते हैं कोई कार्य तो इसीलिए जब ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी नॉलेज कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं ये नॉलेज जब व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है तो व्यक्ति का मोड चेंज हो जाता है रजोगुण से वो सत्वगुण की तरफ चला जाता है तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस नॉलेज के पास ये शक्ति है कि किसी व्यक्ति को से की तरफ से एलिवेट कर सकता है स्ट्रेंथ टू ओवरकम लस्टी डिजायर्स तो अब यहाँ पे भगवान ये भी बता रहे हैं कि देखो इस नॉलेज के बाद ये भी कैपेसिटी है कि ये हमारे इंटेलिजेंस को लस्टी से लव के प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकता है ओवरकम जो हम हम करना चाहते हैं अपने लस्टे डिजायर्स को उसको भी आ, करने का तरीका यही है कि हम अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाएं ये रियलाइज करें कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं तो इस नॉलेज के पास देखिए यहाँ पे भगवान इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस नॉलेज का कि ये नॉलेज जानने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं हम रजोगुण से सत्योगुण में जा सकते हैं हम सकाम कर्मियों से निष्काम कर्मियों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और जो लस्ट है जिसके कारण कि हम मेटीरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं यानी बहुत ही पावरफुल नॉलेज है इसीलिए इस इंस्पिरेशन इस को हमें देने के लिए इस नॉलेज का इतना ग्लोरिफिकेशन इस चैप्टर में किए हैं और नेक्स्ट चैप्टर में फिर फर्दर इसका ग्लोरिफिकेशन आगे भगवान करते रहेंगे कि इस नॉलेज की क्या क्या खूबियां हैं इस नॉलेज को मिलने के बाद

फोर्थ चैप्टर पर आप आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ चैप्टर हमारा है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज तो इसके बारे में हम पहले गीता महात्मा से चैप्टर फोर के बारे में हम इसकी गुणों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार चैप्टर फोर का डिस्कशन करने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं तो देखिए गीता महात्मा जो पद्म पुराण में दिया हुआ है वहां पर एक कथा आती है एक ब्राह्मण की जिसका नाम भरत था वो बनारस में वाराणसी यानी काशी में वहां पर रहा करता था तो वो एक बार बनारस से कहीं पास के ही दूसरे जगह पर एक भगवान विष्णु का जहाँ पे मंदिर हुआ करता था वहां पे वो दर्शन करने के लिए गया तो वो दर्शन करके वहां पे भगवान विष्णु का दर्शन किया वहाँ पे पूजा किया और करके फिर वापस जब वो वाराणसी आ रहा था तो रास्ते में वो एक रात एक वो दो बेल के पेड़ थे उनके नीचे वो बिताता है तो दो बेल के पेड़ बगल में खड़े थे और उनके जो तो जड़ निकले हुए थे उनके एक पेड़ के जड़ पे वो अपना सर रखता है और दूसरे बेल के पेड़ के जो जड़ था उसके ऊपर अपना पैर रख के वो सोता है लेकिन ये जो ब्राह्मण था इसका एक बहुत अच्छा गुण था कि ये रोज भगवत गीता का रात में सोने से पहले एक चैप्टर का रिसाइटेशन करता था तो इसने जब ये इस रात जब उस बेल के वृक्ष के नीचे इसने रात बिताई तो सोने से पहले इसने यही जो फोर्थ चैप्टर जिसका कि हम डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं इस फोर्थ चैप्टर को उस दिन पढ़ा और पड़ करके उस दोनों बेल के नीचे पेड़ के नीचे वो आराम से सो गया एक बेल के पेड़ के नीचे अपने उसके जो जड़ है उस पे अपने उसको तकिया जैसा यूज करके अपने सर रखा और दूसरे बेल के पेड़ के जड़ पे अपने पैर रख के ये आराम से सोया भगवत गीता के फोर्थ चैप्टर को रिसाइट करने के बाद सुबह उठ करके कि वापस वाराणसी आ गया तो उसके वापस जाने के बाद ये जो बेल के वृक्ष थे ये चार दिन में ही पूरी तरह से सूख गए और सूख करके ये अपने प्राण छोड़ दिए तो ये जो दोनों वृक्ष थे अगले जन्म में एक दूसरे ब्राह्मण के घर में दो कन्याओं के रूप में जन्म लेते हैं तो ये दोनों कन्याएं जब सात वर्ष की हो जाती हैं, तो समाव इन्हें पता होता है अपना पिछले जन्म याद रहता है तो ये बनारस जाती हैं वाराणसी और इस भरत नाम के ब्राह्मण के घर पर जाती हैं और इसके पैरों पर गिर करके इसे बताने रहती हैं, इसे प्रणाम करने लगती हैं और फिर बोलती हैं कि आपकी वजह से हमें वृक्ष की योनि से मुक्ति मिली तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप हमारे गुरु हैं तो ये ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य होता है कि ये दो सात साल की छोटी लड़कियां हैं और ये बोल रही हैं कि अरे मैंने इन्हें वृक्ष योनि से मुक्त कराया ऐसा कैसे पॉसिबल है तो वो इन्हें बोलता है कि आप एक्सप्लेन करिए कि आप ऐसे ऐसे कैसे बोल रही हैं तो ये बताती हैं फिर ये कहानी सुनानी सुनाना शुरू करती हैं तो ये बताती हैं कि हम लोग अपने पिछले के पिछले जन्म में यानी जो हम जब बेल के वृक्ष थे उसके पिछले जन्म में हम स्वर्ग में अप्सराए थी तो एक ऋषि थे जो कि कावेरी नदी के तट पे बहुत घोर तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और उन्होंने इतनी अच्छी तपस्या की कि भगवान विष्णु सचमुच उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और वो भक्ति में का परफेक्शन एकदम हासिल कर लिए थे और वो ऐसे भक्त बन गए थे कि वहां पर भगवान ब्रह्मा भी उनके साथ भक्ति के ऊपर डिस्कशन करने के लिए खुद आते थे ब्रह्मलोक से तो इंद्रदेव को बहुत चिंता हो गई कि अरे ये जो ब्राह्मण है ये इतनी घोर तपस्या कर रहा है और इतना आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है कि अरे ये मेरी गद्दी को हथिया ले तो इस कारण से इंद्रदेव ने इन दोनों अप्सराओं को बुलाया और बुला करके बोला कि जाओ इस ब्राह्मण के पास और इसका पतन करवा दो तो ये दोनों अपसरा इंद्रदेव का आदेश पाकर के वो जाती हैं इस ब्राह्मण के पास और ब्राह्मण के आसपास नृत्य करने लगती हैं अलग अलग मुद्राओं में तो इस प्रकार जब वो नृत्य करते रहती हैं तो उनके वस्त्र थोड़े से ढीले हो जाते हैं और ये सारा हरकत देख करके ये ब्राह्मण को बहुत क्रोध आता है और वो इन दोनों को शाप दे देता है कि तुम दोनों इस प्रकार निर्लज होकर इस तरह की हरकतें कर रही हो तो तुम दोनों जाओ वृक्ष बन जाओ तो जब ये शाप मिलता है तो ये दोनों अप्सराएं फिर बहुत ही दुखी हो जाती हैं और इस ब्राह्मण के पैरों पर गिर करके क्षमा याचना करने लगती हैं और फिर बोलती हैं ब्राह्मण देव हम तो हम तो सिर्फ इंद्र के दासियां हैं और हम सिर्फ उनके आदेशों का ही पालन कर रहे हैं आप हमारे ऊपर क्यों क्रोधित हो रहे हैं तो इनका ऐसा एटीट्यूड देख करके ब्राह्मण को बहुत दया आ गई और ब्राह्मण बोलते हैं कि ठीक है तुम दोनों चिंता मत करो तुम लोग वृक्ष की योनि में तभी तक रहोगी जब तक कि भरत नाम का एक ब्राह्मण वो तुम्हारे पास नहीं आएगा और उसके कांटेक्ट में आते ही वो जैसे ही फोर्थ चैप्टर गीता का रिसाइट करेगा तुम दोनों पूरी तरह से मुक्त हो जाओगी तो आप उस रात आए उसने उस रात आपने गीता का यह चौथा जो अध्याय है इसका आपने पाठ किया उसके कारण हमें मुक्ति मिल गई तो ये कथा सुन करके जो भरत नाम का ब्राह्मण था उसे भी बहुत आश्चर्य होता है कि गीता के सिर्फ चौथे चैप्टर में इतनी शक्ति है कि किसी भी किसी को शाप से भी मुक्त करा दे तो ये ये आ, जो कथा है ये भगवान विष्णु बता रहे हैं महालक्ष्मी को जब उन्होंने प्रश्न किया था भगवत गीता के महात्म्य के बारे में उसकी महिमा के बारे में तो भगवान विष्णु ये कथा सुनाते हैं कि इस प्रकार से कि भगवत गीता के चौथे चैप्टर के रिसाइटेशन से ये जो दो शापित अप्सराएं थी वो पूरी तरह से मुक्त हो गई और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उन्हें जन्म मिला तो ये गीता महात्मा है फोर्थ चैप्टर का तो अब हम इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो देखिए ट्रांसडेंटल नॉलेज द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द सोल ऑफ गॉड एंड द रिलेशनशिप इज बोथ प्यूरिफाइंग एंड लिबरेटिंग सच नॉलेज इज द फ्रूट ऑफ सेल्फलेस डिवोशनल एक्शन कर्मयोग द लॉर्ड एक्सप्लेन्स द रिमोट हिस्ट्री ऑफ द गीता द पर्प एंड सिग्फिक्स ऑफ इस पीरियॉडिक डिसेंट्स टू द मटीरियल वर्ल्ड एंड द नेसेसिटी ऑफ अप्रोचिंग गुरुलाइज टीचर तो यहाँ पे इस चैप्टर में भगवान बहुत सारी बातें हमें बताते हैं तो यहाँ पे भगवान बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार ये ज्ञान उन्होंने विवाशवन को दिया था हजारों सालों पहले हजारों नहीं करोड़ों सालों पहले और किस प्रकार ये परंपरा में ज्ञान प्राप्त होता है और परंपरा अगर कभी टूट जाती है तो भगवान खुद इसे आकर के फिर से रीस्टैब्लिश करते हैं तो ये सारी बातें इस चैप्टर में भगवान बताएंगे तो ये इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर का समरी है देखिए इन चैप्टर कृष्णा एक्सप्लेन दैट लस्ट तो कवर्स नॉलेज एंड दैट इग्नोरेंस बाइंड लस्ट के कारण हमारा जो ज्ञान है वो कवर हो जाता है जो हमने पूरे चैप्टर में देखा था कि हमारा जो भगवान से रिलेशनशिप का नॉलेज यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों को कवर करते हैं ज्ञान यानी ये ये पता होना कि हम शरीर नहीं आत्मा है और विज्ञान जो हमारा भगवान से क्या रिश्ता है उसका जो ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहते है। तो काम के कारण ये दोनों तरह के नॉलेज कवर हो जाते हैं एंड इग्नोरेंस बाइंड अस तो ये जो इग्नोरेंस है ये हमें ये जो अज्ञान है ये हमें जड़ जगत से बांध करके रखता है तो ही रिकमेंडेड कर्म योग For तो उन्होंने कर्म योग नाउ एक्सप्लेन वॉट दैट नॉलेज इज एंड इट इज रिसीव्ड तो अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि वो ज्ञान आखिर है क्या और उसे पाया कैसे जाए तो इसके बारे में अभी फर्दर भगवान आगे यहां पर बताएंगे तो देखिए ये चैप्टर फोर में फोर्टी टू वर्सेज है और उनका ये ओवरव्यू है कि जो फर्स्ट सेक्शन है वो है फिफ्टीन वर्सेज तक कृष्णा एज द गोल ऑफ ऑल पार्ट एंड ऑफ वर्णाश्रम जो थर्ड सेक्शन है वर्सेज 16 टू 24 तक वो है कर्म योग के बारे में फिर से कर्म योग के बारे में पे भगवान बताते हैं और फिर 25 टू 33 तक का ये जो सेक्शन है वो सेक्रीफाइस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज किस प्रकार से यज्ञ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान में रिजल्ट करते हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा और जो इसका फिफ्थ सेक्शन है वो समरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है इसमें समराइज करते हैं भगवान सारी बातों को 34 से लेके 42 टू वर्सेज में तो हम अभी इसका जो फर्स्ट सेक्शन है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा जो वन टू टेन वर्सेज तक है इस वाले सेक्शन को अभी हम आज स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये वन टू टेन जो सेक्शन है इसका ये सेक्शन समरी है कि एज द सुप्रीम अथॉरिटी कृष्णा स्पोक दिस नॉलेज अर्लियर टू विवास वन एंड नाउ ही स्पीक्स इट अगेन टू अर्जुन बिकॉज ही इज कृष्णा डिवोटी एंड फ्रेंड तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ज्ञान मैंने पहले विवश वन को दिया था करोड़ों साल पहले लेकिन अब काल के कारण इतना समय पार हो जाने के कारण अभी नष्ट हो गया है इसलिए मैं अभी तुम्हें यह फिर से बताऊंगा और क्यों बता रहे हैं कि अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या है क्योंकि वो भगवान के मित्र हैं और भक्त हैं अगली बात जो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि इज अनबॉर्न कम्स इन टू दिस वर्ल्ड टू रिस्टैब्लिड रिलीजन टू प्रोटेक्ट हिस्सिटीज एंड टू किलोनियो तो भगवान इस जगह पे इस जड़ जगत में आते क्यों है तो उनके आने का पर्पज यहाँ पे बताया गया है कि धर्म की स्थापना करना भक्तों की रक्षा करना और जो डीमंस होते हैं असुर होते हैं उनका विनाश करना एनीवन who understands this knowledge will attain love for krishna and will go back to godhead at the end of this life तो यहाँ पे फिर ये ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि अगर किसी को ये ज्ञान समझ में आ गया तो वो भगवान के प्रति प्रेम को पालेगा और अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम अवश्य वापस चला जाएगा तो ये बात यहाँ पर भगवान अभी बताते हैं तो अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहला वर्स 4.1 पॉइंट यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये एक बहुत प्रसिद्ध वर्स है जिसे कि आप चाहे तो मेमोराइज भी कर सकते हैं श्री भगवान उवाचा इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवश्वन मनवे प्राहा मनुर इक्स्वा कवे ब्रवीत

हैं मनुष्य जाति मनु से ही आ रही है और फिर मनु ने नेकू उनको दिया जो अगले वंश में उनके next, उनके नेक्स्ट सक्सेसर थे तो इस प्रकार से ये सक्सेशन में गीता का देखिये यहाँ भगवत गीता ट्रेस्ड फ्रॉम रिमोट टाइम व्हेन इट वाज डिलीवर्ड टू द प्लैनेट्स बिगनिंग फ्रॉम सन प्लैनेट तो यहाँ पे गीता की हिस्ट्री को हम ऐसे ट्रेस कर सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली जितने भी ग्रह हैं उनका जो रॉयल ऑर्डर था जो उनका रूलिंग क्लास था उनको ये भगवान ने डिलीवर किया था और उनमें भी जो सबसे मेन प्लेनेट है वो सन और उसके जो आ, प्रिसाइडिंग डीटी हैं विवाशवन जो सन प्लानट के किंग हैं विभावन उनको यहाँ पर ये नॉलेज भगवान ने दिया था तो ये बात यहाँ पर भगवान बताते हैं

जो इनहबिटेंट्स हैं अपने पर्टिकुलर प्लैनेट्स के उनको उनको इस प्रकार से उनके ऊपर राज्य कर पाएंगे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे पाएंगे और उन्हें भी इस नॉलेज में इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे इसलिए स्पेशली भगवान ने ये ओरिजिनली इस नॉलेज को रॉयल ऑर्डर को दिया बिकॉज दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल द अदर पीपल तो ये बात यहाँ पर बताई गई है तो देखिए ये सीरीज है लॉर्ड कृष्णा भगवान ने इस ज्ञान को दिया विवाशवन को जो कि सन गॉड है सन प्लैनेट के जो प्रिसाइडिंग डीटी हैं और इसे 120 मिलियन ईयर्स अगो भगवान ने ये दिया है तो कम से कम एक इतना पुराना तो भगवत गीता है ही उसके पहले से ये तो इंटरनल नॉलेज है लेकिन यहाँ से भी हम ट्रेस करें तो ये 120 मिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली है क्योंकि विवशवन सन गॉड उस समय से यहाँ पर राज कर रहे हैं तो उसके बाद फिर विवशवन ने इसे मनु को दिया जो कि फादर ऑफ मैनकाइंड थे और फिर मनु ने इसे एक्सवाकु को कि दिया तो ये अबाउट टू मिलियन अगो की बात है तो ये जो भगवत गीता है ये कोई नया फैशन नहीं है ये कोई नया आइडिया नहीं है नई फिलॉसफी नहीं है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड करोड़ों करोड़ों साल पुरानी ये जो नॉलेज है एक्चुअली इंटरनल नॉलेज है लेकिन कम से कम यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कम से कम करोड़ों साल पुराना तो ये है ही तो ये नया ऐसा कोई फैशन नहीं आ रहा है क्योंकि हम हो सकता है कि कभी इस नॉलेज को भूल जाए और कभी ये नॉलेज हो सकता है फेमस हो जाए लेकिन नॉलेज ये है तो बिकॉज गीता इज इज एज एज गुड द स्पोकन सुप्रीम ऑफ गॉड दिस नॉलेज अपुरुषयम सुपर ह्यूमैन तो ये देखिए जैसे कि हम लोग शास्त्रों को एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के तो आज तो ऐसा नहीं है लेकिन वैदिक इंडिया में ये ट्रेडिशन हुआ करता था कि अगर कोई चीज शास्त्र वाक्य है तो उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुआ करता था शास्त्र वाक्य है इसका मतलब कि उसे 100 as it is, जो भी बोला जाए उस तरह से एक्सेप्ट करना है तो इतनी श्रद्धा लोगों की शास्त्र पे हुआ करती थी अगर कोई डिबेट भी होना है तो वो डिबेट भी शास्त्रों के ऊपर ही हुआ करता था उसका बेसिस शास्त्र ही होते थे यानी एक व्यक्ति अगर किसी एक शास्त्र से बोलेगा एक कोट करेगा तो दूसरे व्यक्ति को दूसरे किसी शास्त्र से कोट करना रहता था और उस प्रकार से डिबेट भी होते थे आजकल के डिबेट में कोई बेसिस नहीं है क्योंकि अगर आप शास्त्रों को बेसिस नहीं बनाते हैं तो फिर आप कहीं से कुछ भी बोल सकते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और लॉजिक में आप ऐसे लड़ते रह सकते हैं लेकिन अगर शास्त्रों के बेसिस पर डिबेट होता है तो उस डिबेट का कोई कंक्लूजन निकला निकाला जा सकता है तो ये बात यहां पे बताया जा रहा है कि अगर हम वेदों को इस प्रकार से वर्ड टू वर्ड एक्सेप्ट करते हैं तो उसी प्रकार हमें भगवत गीता को भी वर्ड टू वर्ड एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये अल्टीमेट वेद है यह भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है जो भगवान ने खुद अपने मुंह से यहां पे बताया गया इसलिए इसके ऊपर कोई लॉजिक डिबेट आर्ग्यूमेंट की हमें जरूरत नहीं है हम इसे समझने के लिए हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली हमें अल्टीमेट सेंस में जा करके हमें इसे as it is word -to -word, accept करना है अगर हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो तो देखिए सिंस इंस्ट्रक्शंस आर दे आर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन द गीता मस्ट देयरफॉर बी एक्सेप्टेड विदाउट इंटरप्रिटेशन तो आजकल देखिए इतने सारी गीता इसकी कमेंट्री हैं जिसमें कि सब अपने अपने हिसाब से गीता का इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं लेकिन ये बात यहाँ पे बताया गया अगर हम प्रॉपरली गीता के इस ज्ञान को समझना चाहते हैं तो नहीं तो हम बिविल्डर हो सकते हैं अगर हम इसे प्रॉपर सोर्स से एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करें तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट वर्ष 4.1 तो इसके आगे का डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कर कंटिन्यू करेंगे 4.2 पॉइंट टू वर्ष से अगर आज के डिस्कशन में आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं थैंक यू वेरी मच शिला की